हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंसिक टॉपिक, सूचना का अधिकार, देश विशेषताएं, आवश्यकता, प्रावधान एवं अधिनियम। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम। सभी को किसी भी मीडिया के माध्यम से, ठीक है, किसी भी विषय के बारे में जानकारी और राय तक पहुंचने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है सभी बाधाओं के पार। ठीक है, 1948 में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के हिस्से के रूप में अधिनियमित 2005 में, ठीक है, आरटीआई अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। करैया अधिनियम भारतीय राजनीति की आधारशिला है जो यूपीएससी पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी मॉक टेस्ट के साथ अभ्यास करना तैयारी की सटीकता को बढ़ा सकता है। चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखेंगे सूचना का अधिकार आरटीआई आखिर है क्या। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का जो एक है सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पहचानता है। यहाँ पे कुछ है, राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश 1976 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 का अभिन्न अंग है। इस निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता, अच्छा, लोकतंत्र में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार कैसे काम करती है। परिणाम स्वरूप 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया जिसमें इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण आरटीआई मुद्दे पर फैसला करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार किया कि क्या है कि क्या सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पहली अपील के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को दूसरी अपील के दौरान फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने प्रतिवादी प्राधिकारी से जवाब मांगते हुए एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि दस्तावेज को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक और बोझिल है, जबकि प्रतिवादी प्राधिकारी यह तर्क दे सकता है कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक सूचनाओं का विचार किया जाए। खरा न्यायालय का निर्णय आरटीआई अधिनियम के एक महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करेगा जो अपीलीय प्रक्रिया और नागरिकों की सूचना तक पहुंचने को प्रभावित करेगा। तो ये तो हमने देखा नहीं, यहाँ पे क्या है, अपडेट से रिलेटेड कुछ है। तो ये फैसला आया कि नहीं आया, ये देखने योग्य है, इसलिए इस पे भी बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ तो अभी भी हैं। बट ये पॉइंट जिसकी बात कर रहा हूँ वो क्लियर किया गया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार से निपटना और सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र लोगों की प्रभावी रूप से सेवा करे, एक जागरूक नागरिक शासन तंत्र की बेहतर ढंग से जांच करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आरटीआई अधिनियम की विशेषताएं। नागरिकों को सूचना का अधिकार, सबसे पहला तो ये, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है। सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। आगे है लोक सूचना अधिकारी PIO, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना अनुरोधों को संभालने के लिए PIO की नियुक्ति करनी होती है। यह होगी अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सरकारी एजेंसियों को व्यापक सार्वजनिक पहुंच के लिए अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे है छूट, आरटीआई अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता है, अब होता है, ठीक है, यह आर्टिकल जो सेट किया गया है उस वक्त का ही है इसलिए अब होता है। जिसका अपना आरटीआई अधिनियम 2009 है तो ये भी अब हटा दीजिए क्योंकि अब वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इस पॉइंट को हटा देते हैं। इसको सेट करने के पहले इस आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत था, पहले से ये था उसी को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अरे, कुछ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी छूट दी गई है।
त्रिस्तरीय प्रवर्तन प्रणाली, इसमें लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और केंद्रीय सूचना आयोग शामिल हैं। यदि 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो अपील की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो 90 दिन के भीतर आगे की अपील संभव है। यानी कि एक अपील आप 30 दिन के बाद कर सकते हैं, उसके बाद भी यदि नहीं सुना जाता है तो 90 दिन बाद अपील किया जा सकता है। सूचना के अधिकार की आवश्यकता, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए RTI अधिनियम महत्वपूर्ण है। करैया नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां सूचना का दुरुपयोग कम से कम हो। करैया अधिनियम विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाता है, वे अपने कल्याण को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों और पहलों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, RTI अधिनियम विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को उजागर करने में सहायक रहा है। चलिए देखते हैं और कुछ है क्या आर्टिकल, बाद में कुछ पॉइंट को सुधारने हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं। सूचना के अधिकार की आवश्यकता आखिर क्यों है? तरह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए RTI अधिनियम महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां सूचना का दुरुपयोग कम से कम हो। ठीक है, करैया अधिनियम विशेष रूप से, ये तो पढ़ी ली ना, आगे देखते हैं। RTI अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान, तो क्या क्या है? धारा 2H, इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है, जिसमें संघ, राज्य, स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी एजेंसियां और संगठन शामिल हैं। आगे है धारा 4(1)(k), सरकार द्वारा सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण और अद्यतनीकरण अनिवार्य है। आगे अनुभाग 6, सूचना सुरक्षित करने की सरल प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है। आगे धारा 7, PIO द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के समय सीमा निर्दिष्ट करती है। आगे है धारा 8, प्रकटीकरण से छूट की सूची। आगे है धारा 19, दो स्तरीय अपील प्रक्रिया का विवरण है इसमें। ठीक है, धारा 20 में क्या है? समय पर सटीक या पूर्ण जानकारी उपलब्ध न कराने पर दंड लगाती है। आगे है धारा 23, RTI विवादों पर निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखता है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को संरक्षित रखता है। आगे देखते हैं, RTI अधिनियम की चुनौतियां क्या है? ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। खरा महिलाओं की अपर्याप्त भागीदारी, RTI प्रक्रिया महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। PIO के लिए प्रशिक्षण का अभाव, कई PIO को पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना नियुक्त किया जाता है। आगे है खराब रिकॉर्ड कीपिंग, अपर्याप्त रिकॉर्ड कीपिंग प्रथाएं पारदर्शिता में बाधा डालती है। आगे है लंबित मामले, लंबित मामलों का बढ़ना प्रशासनिक उपेक्षा को दर्शाता है। आगे है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सूचना आयोग प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की भारी कमी है। आगे व्हिसलब्लोअर संरक्षण क्या है, ये देखते हैं। कमजोर कानून RTI कार्यकर्ताओं को पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। आगे राजनीतिक दलों और न्यायपालिका के लिए छूट, ये छूट पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर करती है। राजनीतिक दलों और न्यायपालिका के लिए छूट है। ठीक है, अच्छा, न्यायपालिका से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो बहुत सारा वहां पे क्या है, पाबंदी है कि आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं राजनीतिक दलों, इसीलिए बोल रहा है कि ये छूट पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमजोर करती है। हालिया संशोधन, हालिया परिवर्तन अधिनियम के प्राथमिक लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति में राजनीतिक पक्षपात को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए आगे भी एक लेते हैं कुछ और, करा RTI अधिनियम, अच्छा RTI अधिनियम में संशोधन,
तो और भी संशोधन हुआ है, ठीक है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। कर आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। फिलहाल कर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, कर केंद्र सरकार अब केंद्रीय और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित करती है, ठीक है, केंद्र सरकार ही राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पे। कर वेतन और भत्ते, केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। आगे है पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, संशोधन में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पूर्व सार्वजनिक सेवा से पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने पर रोक लगाने वाले खंडों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल जो भी था ठीक ठाक है, लेकिन कुछ संशोधन करने की जरूरत है इस आर्टिकल में, ये हम कर देंगे बाद में। चलिए आज के वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कल इकोनॉमिक्स के क्लास के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।